ये वो समय है जब स्त्री को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है लेकिन समय के साथ कोई इसे एक भेदभाव की प्रक्रिया बना देता है हमारा जन्म उससे हुआ है अगर वो अपवित्र है तो हमारा जन्म अपवित्र है और सृष्टि अपवित्र है अभी अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि आध्यात्मिक आयाम में पूर्व धारणा है मैं चाहता हूं कि आप समझें कि में मासिक धर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं है क्योंकि आध्यात्म मासिक धर्म नहीं हो सकता सिर्फ शारीरिक स्तर पर हो सकता है ठीक है फिजियोलॉजिकल so इश्यू तो यह शारीरिक मुद्दा है और यह मानसिक रूप में व्यक्त होता है सिर्फ कुछ स्त्रियों में मैं ये नहीं कहूंगा कि हर स्त्री में लेकिन काफी सारी स्त्रियों में इस शारीरिक प्रक्रिया का असर उनकी मानसिक प्रक्रिया पर होता है जो कि एक सच्चाई है जिसकी देखभाल होनी चाहिए अगर यह सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ मंदिरों ने कहा है कि स्त्रियां उन दिनों में प्रवेश नहीं कर सकती तो आपको समझना होगा कि इसका आधार क्या है आज की स्त्री के बारे में भूल जाइए ठीक है ठीके? कि उसकी क्षमताएं क्या हैं कि वो अपने शरीर की जरूरतों को किन तरीकों से संभाल सकती है यह एक अलग चीज है मैं चाहता हूं कि आप हजार साल पहले देखें स्त्रियों के पास स्वच्छता की सुविधाएं कैसी थी वो किस तरह के काम करती थी तो इन चीजों के मुद्दे हो सकते हैं है ना इसी वजह से उन्होंने कहा था और सबसे बढ़कर आपको समझना चाहिए कि जिस तरह का शारीरिक काम होता था एक आम स्त्री के लिए उन दिनों में पंद्रह से बीस लोगों के लिए खाना पकाना गायों का ध्यान रखना बच्चों का ध्यान रखना सब कुछ वो करती थी ये बहुत ज्यादा शारीरिक काम है तो जो स्त्री अपने मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजर रही है उसे तीन चार दिनों की छुट्टी मिलती थी हर चीज से क्या यह बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि यह ऐसा समय है यह लगभग केंचुली उतारने जैसा है किसी स्त्री के लिए एक स्तर पर यह उतना बड़ा नहीं है लेकिन लगभग वैसा ही है यह वो समय है जब उसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है कोई उसके लिए खाना पकाता है जो उसके जीवन में कभी नहीं होता हर दिन वो बनाती है उन तीन चार दिनों के लिए कोई और खाना पकाता है कोई उसे खाना परोसता है वो अकेली बैठती है वो ध्यान करती है गीत गाती है प्रार्थना करती है क्या ये चीजें करने का अच्छा तरीका नहीं है इसे बस आज के जीवन की तरह मत देखिए हजार साल पहले देखें जब ये चीजें बनाई गई थी ये स्त्रियों की सुरक्षा का बहुत अच्छा तरीका था लेकिन समय के साथ कोई इसे एक भेदभाव की प्रक्रिया बना देता है स्त्रियों को यहां वहां नहीं जाना चाहिए वो कुछ चीजें बस अज्ञान की वजह से हुई हैं इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है क्योंकि अगर मेरी मां के शरीर में मासिक चक्र नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होता ठीक है हाँ या ना हमारा जन्म उससे हुआ है अगर वो अपवित्र है तो हमारा जन्म अपवित्र है और सृष्टि अपवित्र है ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है इस तरह से सोचना भी इन नियमों का आधार पवित्रता या अपवित्रता नहीं बल्कि व्यावहारिक कारण है आज भी मैं हजारों स्त्रियों से मिलता हूं जो उस समय काफी परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें तब भी काम पर जाना पड़ता है उन्हें हर तरह के काम करने पड़ते हैं उनमें से कई उन दिनों दवाइयां लेती हैं बस मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वे निश्चित रूप से आराम करके खुश होंगी वे निश्चित रूप से हर काम से अलग रहकर खुश होंगी जो वे कर रही हैं लेकिन ये सोच कि यह पवित्र अपवित्र है यह बहुत ही अर्धविकसित मन से आती है जिसमें जीवन की कोई मौलिक समझ नहीं है